आज मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फाइल को कैसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करें, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल में। तो अपनी फाइल ओपन कर लेनी है, जहाँ भी होगी वर्ड से ओपन कर लेनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया और ये मेरी फाइल पड़ी है, इसको ओपन कर लेना है। अगर फाइल मैनेजर में आपकी फाइल है तो आप डायरेक्ट फाइल मैनेजर से ओपन कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल यही है, जैसे कि आपकी जो भी फाइल होगी ये सिलेक्ट होगी और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है शेयर, ठीक है। इसके लिए आपको आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, जिस भी मोबाइल में कर रहे होंगे इंटरनेट होना उसमें ज़रूरी है, ठीक है। शेयर एज अटैचमेंट पे क्लिक करना है और पीडीएफ पे क्लिक करना है, किसी पे भी आप सेंड कर सकते हैं जहाँ से आप सेव कर सकें, ठीक है। डायरेक्ट है सेव टू ड्राइव, मैं व्हाट्सएप करके दिखा रहा हूँ, कोई भी ग्रुप ले लें, जो भी जहाँ पे भी मतलब सेंड करना हो, कोई भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेंड किया और ये दिखा दिया, इसने सेंड हो गया पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। अब मैं वापस आ रहा हूँ बाहर, ठीक है। डायरेक्ट एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं और फाइल मैनेजर में आ रहा हूँ, जहाँ पे भी आपका फाइल मैनेजर हो आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, कम ऑन टू व्हाट्सएप के फोल्डर पे आना है हमें, हम लोगों ने व्हाट्सएप किया है, ठीक है। व्हाट्सएप के फोल्डर पे आ रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइल सेंड फोल्डर में आना है, सेंड किया है हम लोगों ने फाइल, तो ये दो फाइल दिखा रहा है। तो लेटेस्ट क्रिएट अभी ये दिखा रहा है, 15/12 की है, तो ये वाली फाइल है हमारी, ओपन कर लेना है इसको, ये पीडीएफ फॉर्म में आ गई, ठीक है। सिंपल मेथड है किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पीडीएफ में फाइल को कन्वर्ट करें, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।